नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 114 महिलाएं और 952 पुरुष हैं और 2,14,00,000 वोटर्स वोट डाल रहे हैं। इस चरण के चुनाव में 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इस बीच बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का एक वीडियो सामने आया। वो गया में एक मतदान केंद्र पर साइकिल पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे और अपना वोट डाला। हालांकि इस दौरान उनके मास्क पर भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। जब आचार संहिता को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनकी मंशा नियम उल्लंघन की नहीं है। देखिए ये पूरा वीडियो। कर लेने दो टिकटॉक जो बारी बारी कर रहा है। इस बीच 8 बजे तक 5% वोटिंग दर्ज की गई, वहीं 9:30 बजे तक यह आंकड़ा 8.5% पर पहुंच गया। बता दें कि एलजेपी के 42 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी इलाके से पिछली बार 2015 के चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी के 27 विधायक जीत कर आए थे। पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने गठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव के लिए भी पहला दौर बेहद महत्वपूर्ण है। दलों के हिसाब से देखें तो पहले चरण में आरजेडी के सबसे ज़्यादा 25 विधायक मैदान में हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसके 23 विधायक हैं। बीजेपी के 13 और कांग्रेस के 8 विधायक हैं। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र संख्या 175, 164, 53, 42 से 22 पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ है। सुबह से कई विधानसभाओं पर ये शिकायत सामने आई है। औरंगाबाद में मतदान शुरू होने से ठीक पहले 2 आईईडी मिले हैं। इसे चुनाव में खलल डालने की बड़ी साजिश माना जा रहा है, जिसे नाकाम कर दिया गया। सीआरपीएफ ने इन्हें डिफ्यूज कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदान के दिन वोटरों से अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 71 सीटों पर मतदान है। अगर आप इन क्षेत्रों के मतदाता हैं तो आप वोट के लिए घर से जरूर निकले। आपका एक वोट बिहार में विकास की रफ्तार को जारी रखते हुए इससे एक विकसित प्रदेश बना सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।